अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अगर आप लोगों के एसी का कंसील पाइप जो ड्रेन पाइप है अगर वो बंद हो गया तो उसको आप लोगों ने किस तरह खोलना है, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके बताता हूँ। यहाँ पे इस तरह हमारे साथ इशू हुआ था, जब हमने एसी फिट कर दिया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारा जो ड्रेन पाइप है वो बंद है, तो हमने एक कंप्रेसर ले लिया और उस कंप्रेसर के थ्रू हमने उसको खोल दिया। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये एक कंप्रेसर है जो ड्रेन पाइप के अंदर, उसका हमने पाइप डाल दिया, साथ गेज लगा हुआ है, तो यहाँ से हमने प्रेशर दे दिया और इसी हमें अंदाज़ा होता है कि हमने कितना प्रेशर देना है, कितना बार प्रेशर देना है, तो वो हमने प्रेशर दे के उसके बाद हमने उसको खोल दिया। लेकिन आप लोगों ने ख्याल करना है कि अगर आप लोगों का घर फाइनल है, फर्नीचर लगा हुआ है, तो आप लोगों ने इस तरह एक एक्सटेंशन बाहर निकालना है ताकि आप लोगों की जो दीवारें हैं, बेड हैं, वो गंदा ना हो जाए, क्योंकि प्रेशर के साथ जो भी कचरा निकलेगा तो साथ पानी होगा, तो आप लोग का बेड वगैरह जो है उससे गंदा हो जाते हैं। जब एक दफ़ा आपका पाइप खुल जाए फिर आप लोगों ने इसी तरह फ्लेक्सिबल पाइप डाल के आप लोगों ने चेक करना है, तसल्ली करना है कि आप लोग का जो ड्रेन है वो खुल गया कि नहीं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारा जो ड्रेन है वो बिल्कुल खुल गया, हमें तसल्ली हो गई कि हमारा जो ड्रेन पाइप है उसके अंदर जो कचरा था वो निकल गया। एक आप लोगों ने ये भी ख्याल करना है कि जो एसी आप लोग लगाते हैं एसी के साथ जो पाइप हैं वो फ्लेक्सिबल, वो अक्सर छोटा होता है तो उस वक्त भी पानी बैक मारते हैं, तो आप लोगों ने इसी तरह एक्सटेंशन लगाना है, और एक्सटेंशन लगाने के बाद आप लोगों ने जो इजाफी पाइप है फ्लेक्सिबल वो आप लोगों ने ड्रेन पाइप के अंदर बिल्कुल एक फुट डेढ़ फुट अंदर करना है, ताकि चूँकि ग्रेविटी के थ्रू पानी जाते हैं ताकि पानी बैक ना मारे। अब हमने एक्सटेंशन करके फिर उसके बाद अभी हम तसल्ली कर रहे हैं जो एसी के अंदर इनका जो ड्रेन है उसी के अंदर अभी हम पानी डाल रहे हैं, और अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो ड्रेन पाइप है वो खुल गया, जो हमने अभी एक्सटेंशन डाल दिया क्या इससे तो पानी पीछे नहीं आ रहा, तो ये भी यहाँ पे हमने करके यहाँ पे कोई पानी जो है पीछे नहीं आ रहा। अब हम बाथरूम के अंदर जहाँ पे हमने ड्रेन का जो दिया है पॉइंट, वहाँ से हमने चेक किया कि पानी आ रहा है। तो इसी तरह आप लोग अपना जो एसी का ड्रेन है पाइप है वो बंद है तो आप लोग इस तरह खोल सकते, उम्मीद है इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।